महामिलावट के दम पर दिल्ली जाने का जो सपना दीदी देख रही थी वो अब मिट्टी में मिलता दिख रहा है। आज पश्चिम बंगाल में दीदी 10 का आंकड़े तक पहुंचने के लिए जी जान से ताकत लगा रही है, सबको दौड़ा रही है और गुस्से में आकर के हर दिन मोदी पे गालियां बरसा रही है, जो गालियां मन में आए बोल रही है। संतुलन ही खो दिया है और उसका कारण क्या है मालूम है? ये संतुलन खोया है उसका कारण क्या है मालूम है? क्या कारण है भाइयों बहनों? ये जन सागर है ना, उनको रिपोर्ट तो मिलती है। ये जो गुस्सा है पूरे बंगाल के हर कोने में है, इसी ने दीदी की नींद खराब कर दी है। सब नेताओं के दिमाग भी खराब हो रहे हैं, दीदी का भी दिमाग खराब हो रहा है। जिन गरीबों का सब कुछ टीएमसी के चिटफंड गिरोह ने लूटा, वो युवा जिनको परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली, जिन कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज के कारण जिन कामगारों की रोजी रोटी छिन गई, ये सब अब दीदी को 10 सीटों तक भी पहुंचने नहीं देंगे, ये यहां के लोगों का तय। और साथियों, इसलिए आजकल दीदी काफी डरी हुई है, बौखलाई हुई नजर आती है। एक डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये डर है लोकतंत्र का, ये डर है कानून का, ये डर है जनता की ताकत का, ये डर है जनता के फैसले का। जब दीदी को भी लोकतंत्र का डर सताए तो ये डर अच्छा है। जब दीदी को भी कानून का डर सताए तो ये डर अच्छा है। जब दीदी को भी जनता के फैसले का डर सताए तो ये डर अच्छा है। भाइयों और बहनों, ये पूरा क्षेत्र क्रांति वीरों की धरती है। यहां अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध हमारे जनजातीय साथियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। जंगल महल में स्वतंत्रता के लिए अगर हम सभी के पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी से भिड़ सकते हैं तो टीएमसी के जगाई मथाई क्या चीज होती है। साथियों, आपका ये सेवक विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निकला है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद के दशकों में
जो सरकारें थी उन्होंने आपके कल्याण के बारे में कभी सोचा नहीं था। आदिवासी परिवारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ही अटल जी की सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया था। उन्हीं की प्रेरणा से जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 30% से अधिक राशि का भी प्रावधान किया है।